हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और आज इवनिंग को मैं व्लॉग स्टार्ट करी क्योंकि सुबह से कुछ भी टाइम नहीं मिल पाया कुछ भी शूट करने के लिए। बहुत बिजी थे, बहुत सारा घर में किचन का काम था, सो नहीं हो पाया। बट यस, फाइनली अभी मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया और आज से हमारा गार्डन भी स्टार्ट हो गया है। कुछ बच्चे भी आ गए बट ज़्यादा भीड़ नहीं है बिकॉज आज से स्टार्ट हुआ है। तो आई एम श्योर सब पेरेंट्स नहीं अग्री होंगे कि अपने बच्चों को गार्डन में भेजे, इसलिए क्राउड थोड़ा कम है। जो यूजली हमेशा पूरा गार्डन इस टाइम पर पूरा पैक भरा हुआ रहता है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कितना एम्प्टी है। इससे ज़्यादा जूम नहीं हो सकता है। जो ग्रीन वाला पैच आप देख रहे हो ना, वहाँ पे देखिए कितने हार्डली 2 या 3 बच्चे हैं, नहीं तो हमेशा पूरा भरा हुआ रहता है। और वहाँ पे भी जहाँ पे झूला और घसरगुंडी है वहाँ पे भी कम बच्चे। तो अभी धीरे धीरे लोग आना स्टार्ट होंगे बिकॉज हर किसी को डर ही लग रहा है कि ज़्यादा बच्चों में बच्चे मिक्सअप हो जाएंगे तो रिस्क होगा, इसलिए आई थिंक सो इट इज़ एम्प्टी। मैं जब कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, तो कभी कभी कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जिसको पढ़ने के बाद ऐसा फर्स्ट इंप्रेशन आता है कि आप लोग कितनी छोटी छोटी चीज़ों को भी नोटिस करते हो। जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो मैं ये सारी चीज़ों को इतना ध्यान से नहीं देखती हूँ वाइल अपलोडिंग, बट जब आप लोग इसको देखते हो ना तो बारीक बारीक चीज़ भी आप लोग नोटिस करते हो। जैसे किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप हमेशा बाल बांध के ही क्यों व्लॉग्स बनाते हो, यू शुड कीप योर हेयर ओपन ऑल्सो। बट मुझे ना ओपन हेयर बहुत अनकम्फर्टेबल होता है कुकिंग करने के लिए और घर का सारा काम करने के लिए। जब मैं सलोन में थी तो ऑब्वियसली 8-10 घंटा एसी में बैठते थे तो अच्छा ब्लो ड्राई करके मिलता था एवरी ऑल्टरनेट डे, तो अच्छा लगता था हाँ बस चेयर पे बैठना और अपना काम करते जाना। बट घर पे वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसके लिए मैं मोस्टली मेरे बाल ना हमेशा ऐसे नीटली टाई करके रखती हूँ ताकि यहाँ वहाँ से कहीं से निकले नहीं। एंड आई शुड बी वेरी कम्फर्टेबल वाइल कुकिंग एंड डूइंग हाउस होल्ड वर्क। बट मैंने आपका वो सजेशन लिया तो इसलिए आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो पूरा ये देखिए मैं ओपन हेयर में ही बना रही हूँ। थोड़ा फॉर अ चेंज आप लोग के भी सजेशंस मैं एक्सेप्ट करती हूँ, उस पर वर्क करती हूँ। ऐसा नहीं कि हर कमेंट को मैं पढ़ के रिप्लाई करूँ, मतलब कमेंट को तो रिप्लाई करती हूँ बट ब्लॉग के थ्रू नहीं बोल पाती हूँ। बट मैंने सोचा आज मैं ये पॉइंट आप लोग के साथ डिस्कस करूँ। सो देखिए फाइनली मैंने बाल ओपन कर दिया, अच्छे से सेट किया क्योंकि अभी मुझे कुकिंग नहीं करना है। अभी शाम के 6:45 बजे अब मैं शाम का व्लॉग शूट करूँ, देयर इज़ नो कुकिंग नो हाउस वर्क। डायरेक्ट अभी 8:30 बजे स्टार्ट होगा तो इसके लिए मैं अभी अच्छे से ओपन बाल रख के ये पूरा वीडियो शूट करने वाली हूँ। आज का जो वीडियो बनने वाला है ना वो बहुत ही अलग है, नॉट लाइक माई डेली व्लॉग, या इसमें कोई रेसिपी नहीं है फॉर अ चेंज आप लोग के लिए। आज जो वीडियो मैं शूट कर रही हूँ ना वो टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जिसमें आप लोग लिखते हो कि आपका सोफ़ा कम बेड जो है उसको ओपन करके दिखाइए, आप लोग ने टाकी को जो एक्सटेंशन किया उसको कैसे एक्सटेंड किया वो एक्सप्लेन कीजिए, या फिर आपका मंदिर का थोड़ा डिटेल्स दीजिए। तो ऐसे कुछ कमेंट्स होते हैं जिसको मुझे शूट करके ही दिखाना पड़ेगा, मैं रिप्लाई में उतना क्लियरली नहीं बोल सकती हूँ, नहीं बता सकती। तो मैंने ऐसे कुछ कमेंट्स लिए हैं कमेंट बॉक्स में से जिसमें ये सब कमेंट्स आए थे, तो आज हम लोग जो पूरा वीडियो बनाने वाले हैं वो उसी बेसिस पे होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट, हम लोग हॉल से स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले हॉल स्टार्ट करने वाली थी लेकिन अभी सनसेट होने वाला है फिर यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा। और मुझे आप लोगों को टाकी के बारे में इन्फॉर्मेशन देना क्योंकि बहुत सारे जन मुझे कमेंट में पूछ रहे थे कि आपने टाकी को एक्सटेंड कैसे किया और बड़ी वाली टाकी आप कैसे इतने से छोटे जगह में बैठा पाए। तो पहले हम लोग इसको कवर कर लेंगे फिर हॉल में जाएंगे। सो जो टाकी हम लोग को बिल्डर की तरफ से प्रोवाइड हुई थी वो आई थिंक सो 250 या 300 लीटर था अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्टली हमें नहीं पता था क्योंकि उस पर प्रिंटेड नहीं था। और पहले वो लोग ने क्या किया, टाकी को एम्प्टी करके ले लिया, उसके बाद ये जो एंगल्स है ना इसको निकाल दिया, ये निकलता है, फिर उसके बाद ये प्लाई है ना फोल्डेबल है उसको हटा के फिर टाकी को आगे लेके उन लोगों ने नीचे उतारा। और ये जो एंगल है ना जो पहले की टाकी थी उसको ऊपर तक लेवल था, इतना नीचे वो दिखाई नहीं देता था, और ये दीवार में उसको खिला मार के सपोर्टिंग दिया है। तो वो लोग ने ये एंगल को निकाला टाकी के साथ, वो लोग लेके गए और इसको इतना इतना एक्सटेंड करके लेकर आए। तो अभी वो वेल्डिंग वाले के पास लेके जाके वेल्डिंग करा के लेकर आए तो अभी उसकी हाइट और बढ़ गई। तो ये टाकी जो अभी हम लोग ने फिट किया है वो 425 लीटर की टाकी है बट उसमें स्टोरेज जो है वो 400 लीटर का है। तो इस तरह से वो लोग ने ये पूरा टाकी को फिट करके दिया है क्योंकि ये सब निकलता है, तो इट वॉज़ वेरी इजी फॉर अस टू डू इट, इतना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो होम टूर वाला वीडियो मैं अपलोड करूँगी वो इतना 1 लाख से भी ज़्यादा व्यू क्रॉस कर जाएगा। तो आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दैट वीडियो। और जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर जाके हमारा ये सुंदर सा घर देख लीजिए, पूरा घर मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और अभी उस पर 1 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ है ना, तो अभी उसमें इतने कमेंट्स आते हैं कि ये आपने कहाँ से बनवाया वो आपने कहाँ से बनवाया, तो मैं एकदम शॉर्ट में आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले तो ये डाइनिंग टेबल को बहुत ज़्यादा लाइक किया गया कि आपने डाइनिंग टेबल कहाँ से लिया है, तो ये डाइनिंग टेबल हम लोग ने वुड प्लाजा से लिया है जो विरार वेस्ट में है, बिग बाज़ार के सामने है,
वहाँ से डाइनिंग टेबल लिया है और ये एक्सटेंड होता है, फोर सीटर है। हमने फिलहाल तो तीन सीट ही रखा, एक सीट हम लोग ने स्टडी रूम में रख दिया है। ये ऐसे एक्सटेंड होता है, आपको अगर ज़्यादा फैमिली मेम्बर हो या ज़्यादा कुछ डिश रखना है तो आप एक्सटेंड कर सकते हो इस तरह उसको और यूज़ कर सकते हो। तो ये ऐसा बड़ा डाइनिंग टेबल हो जाता है, तो यहाँ पे दो जन भी बैठ सकते हैं आराम से डिनर लंच ब्रेकफास्ट करने के लिए। और जब आपको नहीं दो जन ही हैं कब यूज़ होता है तब आप इसको छोटा कर सकते हो, तो ये छोटा सा कॉम्पैक्ट हो जाता है, तो विच सेव्स द स्पेस ऑल्सो और अच्छा भी दिखता है छोटा सा। तो ये हम लोग ने वहाँ से लिया है, इसका एग्जैक्ट MRP मुझे याद नहीं है क्योंकि तभी डिस्काउंट चल रहा था, तो हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें वहाँ से ली तो वो डिस्काउंट करके मिला है। और ये ऐसे जो शोपीस हम लोग लाए ये होम टाउन से लिया है, जैसे ये वाला है और फिर ये पिंक कलर का जो यहाँ पे रखा है वो होम टाउन से लिया है, ये येलो वाला ये भी होम टाउन से लिया है। उसके बाद ये फ्लावर पॉट जो आप देख रहे हो ये हम लोग ने मीरा रोड पे जो मैकडॉनल्ड्स है उसके दो तीन शॉप छोड़ने के बाद फर्स्ट फ्लोर पे एक आर्ट गैलरी है, एग्जैक्ट नेम मुझे नहीं याद है, आर्ट गैलरी है, बहुत अच्छा आर्ट गैलरी, वहाँ से हम लोग ने ये लिया था। आई थिंक सो 1000 या 1500 के रेंज में ही था। अगर मुझे सच में भी बोलते अगर पहले आइडिया होता कि वो होम टूर वीडियो इतना चलेगा और मुझे इतने सारे इंक्वायरीज आएंगे तो मैं हर चीज़ ना लिस्ट करके रख देती थी कि ये कितने का लिया ये कितने का लिया। अभी मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा क्योंकि हम लोग जब इस घर का शॉपिंग कर रहे थे तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी क्योंकि शिफ्टिंग करना था, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि क्या चीज़ कितने की है, तो ये अभी एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है। और ये जो फ्लावर्स आप देख रहे हो घर में जितने भी फ्लावर्स ऐसे आर्टिफिशियल वाले, ये सब मैं क्रॉफर्ड मार्केट गई थी और एक साथ ही मैंने क्रॉफर्ड मार्केट से शॉपिंग किया था, ये भी वहाँ से लिया है। ये एंट्रेंस के पास जो रखा हुआ है वो भी वहाँ से लिया है। मंदिर में ये जो लगाया है ये भी क्रॉफर्ड मार्केट से लिया है। तो बहुत सारी शॉपिंग हम लोग ने इस घर का क्रॉफर्ड मार्केट से ही किया है और क्रॉफर्ड मार्केट में सच में बहुत अच्छा कलेक्शन मिलता है। अभी तो लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है तो आप लोग जा सकते हो क्रॉफर्ड मार्केट से अपने घर को डेकोर करने के लिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छे रेट में लेकर आ सकते हो, बार्गिन कीजिए ज़रूर, वो लोग बार्गिन करके रिड्यूस कर देंगे आपको जो भी चीज़ें लेना है, सो यू कैन गेट देम। उसके बाद ये इसको उर्ली बोलते हैं, इसकी बहुत इंक्वायरी आती है, ये मैंने ऑनलाइन परचेज नहीं किया है। ये भाईंदर ईस्ट में पूरा ऐसा लाइन से शॉप से वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये जो रेट वो बोल रहा था 900 था बट मैंने कम करा के इसको 600 रुपीज़ में लिया है। और नीचे जो एलिफेंट आपको दिख रहा है ये अमेजोन से मंगाया है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आई थिंक अभी आउट ऑफ स्टॉक ही बड़ा, फिर भी चेक कर सकते हो अगर अब तक आ गया होगा तो, सो उसका लिंक भी मैंने दिया है। उसके बाद जो मंदिर है उसको बहुत जन ने लाइक किया कि आपका मंदिर बहुत सुंदर है, तो ये मार्बल का पार्ट बना है हम लोग ने भगवान जी को बैठने के लिए। और पीछे जो आप देख रहे हो गोल्डन एक्रेलिक है, आगे जो ओम बना है दैट इज़ वाइट एक्रेलिक, दिस इज़ ऑल्सो एक्रेलिक जो आपको 2 mm 4 mm 8 mm 10 mm मिल जाएगा। ये किस कोई भी लैमिनेशन शॉप वाले के पास आपको इजीली मिल जाएगा, ऑनलाइन आपको बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाएंगे तो आप अपने घर में भी ऐसा बना सकते हो सुंदर सा। नेक्स्ट इस सोफ़े के बारे में बहुत इंक्वायरी आती है कि आपने ये सोफ़ा कहाँ से लिया, कहाँ से बनवाया और इसको ओपन करके दिखाइए। तो फाइनली आज मैं आपको ये सोफ़ा ओपन करके दिखा दूँ, और उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये सोफ़ा हम लोगों ने कस्टमाइज़ करके लिया है, हमारा जो स्पेस है उसके हिसाब से मेजरमेंट देके बनाया था। तो ये टोटल 3 पीस में बना है, 2 पीस सोफ़ा नहीं है, एल शेप में ही है बट 3 पीस में है। और ये हम लोग ने लिया था लीना डेकोर, जो मीरा रोड में बहुत फेमस है, लीना डेकोर डी डेकोर करके पूरा शोरूम है 3 फ्लोर का। तो वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे ऐसा आपको पूरा सोफ़ा वगैरह मिल जाएगा, सेकंड फ्लोर पे आपको पूरा डाइनिंग टेबल्स चेयर्स वगैरह मिल जाएंगे, बेड्स मिल जाएंगे, और थर्ड फ्लोर में उनका आर्ट गैलरी है, तो वो आर्ट गैलरी से भी हम लोग ने कुछ शोपीस परचेज किया है, तो वो आर्ट गैलरी से भी आप खरीद सकते हो। ये जो शोपीस आप यहाँ पे देख रहे हो ये भी वही आर्ट गैलरी से लिया हुआ है, कलर कर जी बैठी है नहीं डॉल, ये भी हम लोग ने वहाँ से लिया, बहुत सारे शोपीस हम लोग ने वहाँ से भी लिया है। तो ये 3 पीस में है, 1 पीस ये ऐसा सोफ़ा है और एक यहाँ पे साइड में है, और एक साइड में ये है जो डिटैच होता है, आप इसको कहीं पर भी ऐसा मूव करके अलग से रख सकते हो। अगर आपके घर में कभी कोई फंक्शन है और आपको ये स्पेस यूज़ करना है तो आप इसको कहीं पे भी घर में शिफ्ट करके रख सकते हो, जैसे हमारे घर में जब इवेंट्स वगैरह होते, जैसे बर्थडे हो गया पूजा हो गया तभी हम लोग ने इसको यहाँ से शिफ्ट करके वहाँ रख दिया था, तो यहाँ पे पूरा स्पेस ओपन कर दिया था, तो वो हमारा आइडिया था। और इसमें आपको स्टोरेज भी मिलेगा जिसमें आप अपना बेडशीट्स बेड पिलो कवर वगैरह अच्छे से स्टोर कर सकते हो। सो अभी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, ये देखिए निशु ने इसको थोड़ा पुल कर दिया तो ये अलग हो गया और ये पूरा एक सोफ़ा सिंगल सोफ़ा बन गया, तो आप ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो निशु ओपन कर दीजिए,
सो यहाँ पे नीचे उसका लॉकिंग सिस्टम दिया है जिसको आप अनलॉक करोगे तब ये आगे खींच सकते हो आप। सो ये देखिए अभी आगे आ रहा है, और ये वाले जो पीछे रेस्टिंग वाले ये आपको साइड में निकाल के रखना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट पोर्शन ऐसे पुल होता है, फिर और आगे करोगे तो ये पीछे से भी देखिए पूरा ओपन हो गया है, और फिर पीछे इसको फिर यहाँ पे इसको ऐसा हैंडल दिया है, इसको खींचोगे ना आप तो ये पूरा ऐसा पीछे चला जाता है, अनलॉक हो जाता है। और फिर ये जो आपका रेस्टिंग वाला है ये आप पीछे रख सकते हो या तो साइड में रख सकते हो, तो ये पूरा एक प्रॉपर बेड में कन्वर्ट हो जाता है जिसमें आराम से 2-3 जन आराम से बैठ सकते हैं। इसको ऐसे खींचोगे तो ये देखिए ऊपर आ गया और अभी एक प्रॉपर बेड हो गया है। फाइनल पूरा सोफ़ा ओपन करने के बाद ये ऐसा पूरा सोफ़ा कम बेड बन जाता है जिस पे आप एक अच्छा सा बेडशीट डाल दोगे ना तो ये प्रॉपर बेड ही दिखता है, और अच्छे से 2-3 जन इसमें आराम से सो सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, इतना कंफर्टेबल है। और जब भी हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो यहाँ पर ही रेस्ट करते, क्योंकि 3 बेडरूम अगर बिजी हो जाए तो इस पर रेस्ट करते, एंड दिस इज़ वेरी कम्फर्टेबल। आप खुद ही देख लीजिए कितना अच्छा और बड़ा है, काफ़ी अच्छा स्पेस भी है। तो आप भी इस तरह अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ करके बना सकते हो। तो सोफ़ा मैंने आप लोग को अच्छे से ओपन करके दिखा दिया। अभी इसके पीछे जो हम लोग ने ये फ्रेम लगाया ये हम लोग ने वॉल मंत्रा से लिया है, मिक्स ऑफ एवरी कलर लिया है ताकि वो कोई भी कलर कॉम्बिनेशन के साथ मैच हो। तो इसका भी लिंक और बहुत सारे चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसको चेक कर सकते हो। इफ़ यू इंटरेस्टेड यू कैन बाय ऑल्सो, आप वहाँ से जाके प्राइसिंग भी देख सकते हो कि अभी करंट क्या प्राइस चल रहा है। तो ये वॉल मंत्रा से आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो तो, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग फ्रेम्स है, आप उसमें से भी सिलेक्ट कर सकते हो आपके चॉइस के हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट ये जो हम लोग ने कर्टन लिया, ये कर्टन भी बहुत सारे जन को पसंद आया। मुझे ऐसा था कि जब हम नए घर में शिफ्ट हो तो मुझे वाइट कलर का कर्टन चाहिए, मतलब मुझे वाइट ही चाहिए था, मुझे और कोई कलर नहीं चाहिए था। तो ये कर्टन हम लोग ने डी डेकोर के जो कैटलॉग में से सिलेक्ट किया है, ये नेट वाला है, इसको आगे से ऐसा नेट है और पीछे से वाइट कलर का अस्तर लगा है। आप पीछे चाहिए तो क्रीम कलर का भी ब्राउन कलर का भी लगा सकते हो, पर सिंस आई वांटेड वाइट थीम तो मैंने वाइट ही लगाया। और ये हम लोग ने भाईंदर में अभिषेक कलेक्शन करके है जिनके पास ये बहुत सुंदर कर्टन्स मिलते हैं, उनका मैं कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। भाईंदर वेस्ट में है, तो जितने भी कर्टन्स हमारे घर में लगे वो सब हम लोग ने उन्हीं से लिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमारा टीवी आने वाला है, ये टीवी यूनिट है बट अभी तक टीवी आया नहीं है, पेंडिंग है, वेरी सून वे गोइंग टू बाय। और ये जो वॉलपेपर देख रहे हो जो हम लोग ने टीवी यूनिट पे और मंदिर वाले वॉल पे लगाया है, प्लस मेरे बेडरूम में जो कलरफुल वाला वॉलपेपर लगा जो बहुत सारे जन को पसंद आया, तो मुझे डेली बेसिस पे उस पर कमेंट आता है कि आपने कहाँ से परचेज किया। तो ये वाला वॉलपेपर भी और मेरे बेडरूम वाला वॉलपेपर भी हम लोग ने वुड प्लाजा से ही लिया है जो विरार वेस्ट में बिग बाज़ार के ऑपोजिट है, तो आप वहाँ पे जा सकते हो, वहाँ का अच्छा कलेक्शन देख सकते हो जो वॉलपेपर का उनके पास है। दिस इज़ द बेसिक वॉलपेपर, और जो मेरे रूम में लगा है दैट इज़ द 3D वॉलपेपर, तो दोनों में फ़र्क है, ये बेसिक वाला है वो 3D वाला है, तो कॉस्टिंग में भी थोड़ा फ़र्क है। वो मुझे अच्छे से याद है कितने का लिया था, वो 7000 टोटल उन्होंने बोला था, बट मैंने कम करा करा के फाइनली 5000 में डील डन कर दिया था। ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि ये सुशांत ने इसका पूरा फाइनलिंग डील किया था, तो वो 5000 में मुझे पड़ा है जो मैंने मेरे इसमें लगाया है। उसके बाद ये जो ऊपर आप शोपीस देख रहे हो, 3 स्टैचू है, 2 ऊपर लगाया है और एक नीचे यहाँ पे रखा है। ये भी हम लोग ने मीरा रोड के बाजू में जो आर्ट गैलरी है मैकडोनल्ड्स के बाजू में वहाँ से ही लिया है। सो बहुत सारे शोपीस जो हम लोग ने लिया है ना ये 3 जगह से ही लिया है, एक क्रॉफर्ड मार्केट से लिया गया है, बहुत सारा सामान हम लोग ने क्रॉफर्ड मार्केट से लिया है, बहुत सारे शोपीस हम लोग ने मैकडोनल्ड्स के बाजू में मीरा रोड में जो आर्ट गैलरी है फर्स्ट फ्लोर पे वहाँ से लिया है, और बहुत सारा डेकोरेशन का सामान डेकोरेटिव आइटम हम लोग ने लीना डेकोर के 3rd फ्लोर के आर्ट गैलरी से लिया है। तो जितना पॉसिबल होगा सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स दे दूँगी। हम लोग ने सिर्फ ये डाइनिंग टेबल और सोफ़ा है ना वही सिर्फ परचेज़ किया, उसके अलावा हम लोग ने सब कुछ जैसा हम लोग का टीवी यूनिट हो गया, वार्डरोब्स हो गए, बेड हो गया, वो सब हम लोग ने यहीं पे घर में बनवा के लिया है, कुछ भी बाहर से परचेज़ नहीं किया है। एंड आई नो अभी ये वीडियो देखने के बाद आप में से बहुत सारे जन मुझे पूछेंगे आपके इंटीरियर बंदे का नंबर शेयर कीजिए, सो मैं शॉर्ट में ही आप लोग को बताती हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं शेयर करूँगी कि वो नंबर हम लोग आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, बिकॉज उसका काम तो बहुत अच्छा था, नो डाउट ही वॉज वेरी टैलेंटेड, एक्सीलेंट वर्क ही डिड, बट जब एंडिंग के 1.5-2 महीने बचे थे ना तभी हम लोग ने बहुत फाइनेंशियली उसके साथ प्रॉब्लम फेस किया। अब मैं डिटेल में नहीं बता सकती, वो थोड़ा पर्सनल है, बट बहुत इश्यूज हो गए थे,
तो इसके लिए हम लोग नहीं चाहते कि जो हमारा एक्सपीरियंस हुआ है वो आप लोग के साथ भी हो, इसके लिए मैं वो नंबर आप लोग के साथ शेयर नहीं करूँगी। सो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट नंबर मत पूछना। लेकिन जो हम लोग ने एक्सपीरियंस लिया है उससे हमें ये पता चला है दैट इट इज़ वेरी ईजी कि आप कोई भी इंटीरियर वाले को हायर कीजिए और इंटरनेट पर ऑनलाइन पर आपको इतने सारे फोटोज़ इमेजेस सब कुछ मिल जाएगा जो आप अपने हिसाब से अपने घर के लिए कलर कॉम्बिनेशन करा सकते हो, किस तरीके का आपको चाहिए आप उसको बता सकते हो, ही विल मेक इट फॉर यू। आजकल तो बहुत इजी हो जाता है। और हम लोग ने भी जब ये घर बनाया था तो मोस्टली 60% से भी ज़्यादा डिज़ाइनिंग हमने उसको जाके प्रोवाइड किया था, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट यही था कि आप डिज़ाइन दो कि आपके घर को आपको कैसे सजाना है, फिर मैं उसको पूरा इनपुट करके अच्छे से बना के दूंगा। सो जो सारे डायमेंशंस थे ये इतना बनेगा ऐसे बनेगा वो सब उसने पूरा कंप्यूटर पे करके दिया, हम लोग को दिखाया। बट उसके अलावा डिज़ाइनिंग तो हम लोग ने ही घर वालों ने सब ऑनलाइन पे ढूंढ ढूंढ के उसको डिज़ाइन दिया कि हमको टीवी यूनिट ऐसा चाहिए, किचन ऐसा चाहिए, ये पीछे का हम लोग को ऐसा चाहिए था पैरेलल वाला, वो सब हम लोग ने उसको डिज़ाइन दिया था। सो इट इज़ वेरी इजी, आपको बस अपना आइडियाज़ लगाना है कि आपको अपना घर कैसे सजाना है। सो यस दिस इज़ इट, मैंने आज जितना हो सका उतना आपके साथ शेयर किया। धीरे धीरे मैं आगे और भी शेयर करते जाऊँगी, पूरा घर कवर नहीं कर सकते बिकॉज बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बी अ पार्ट ऑफ माई यूट्यूब फैमिली एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। अगर आपको कुछ क्वेरी होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, आई विल बी ग्लैड टू आंसर देम। सो येस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप स्माइलिंग एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।